लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं और आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है, किसी एक को नहीं हर किसी को, क्योंकि हर घर की प्रॉब्लम है कि एक शख्स आता है अपना चार्जर दूसरे का चार्जर निकाल के अपना लगा देता है जिसकी वजह से हमारी बैटरी फुल नहीं हो पाती। तो अब आप कोई भी आपके मोबाइल को हाथ भी नहीं लगा सकता। उसका तरीका यह है कि आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फुल बैटरी एंड थीफ अलार्म के नाम से। ये जो है आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, आपने जिस नाम लिखना है वो आ जाएगी आपके सामने। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे 43 टेम्परेचर यानी कि मेरी सिटी का बता रहा है, 4 hours and 7 minutes जो है इसकी घंटे मेरे चलेंगे क्योंकि मेरी बैटरी बहुत अच्छी है। ये मेरे पास क्यों मोबाइल है और ये बहुत अच्छा मोबाइल है, इसकी बैटरी जो है 3 दिन चलती है। इसके बाद ये हेल्थ बता रहा है कि आपके मोबाइल की हेल्थ बिल्कुल गुड है। अब इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे कि इसकी मोर सेटिंग्स हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में आप जाएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कोई आपका मोबाइल का प्लग निकाले तो आपकी स्क्रीन वॉकअप हो जाए और अलार्म स्टार्ट हो जाए। इसको ओपन करना है आपने। डिसेबल स्क्रीन की गार्ड, अगर आपकी डिसेबल भी स्क्रीन हो लेकिन आपका की गार्ड चले और आपके रिंगटोन बजे तो पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है आपका साउंड आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिपीट अलार्म, थीफ अलार्म सेटिंग, ये सारी यूनिट की सेटिंग्स हैं जो आप एक मरतबा रीड करेंगे आपको आसानी समझ आ जाएगी। इसके बाद है आपका फुल बैटरी लेवल, आप कितना रखना चाहते हैं। 100 ही होता है। लो बैटरी लेवल मैंने 30 रखा है क्योंकि मैंने सुना है कि 30 के बाद अगर आप कोई मोबाइल यूज़ करें तो आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो आपने 30% ही रहने देना है इसको। इसके बाद बैटरी टेम्परेचर वार्निंग, वार्निंग से मुराद ये है कि अगर आपकी 30% गर्मी हो या आपकी बैटरी गर्म हो तो ये वार्निंग देना शुरू कर दे, ये बड़ा तंग करता है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। ऑटो एनेबल थीफ अलार्म आप इसे सेट कर सकते हैं और पासवर्ड भी लगा सकते हैं, पासवर्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद अब जो है मैंने सारी सेटिंग कर दी है, अब क्या होगा मैं प्लग लगाऊंगी। प्लग लगाने के बाद ये जो मेरा लिखा ना चार्ज अलार्म ये ओके हो जाएगा। जैसे मैं प्लग हटाऊंगी और तो ये म्यूज़िक बजने लग जाएगा, जो मैंने अलार्म अंदर सेट किया है सेटिंग में जाके वो म्यूज़िक जो है इसके अंदर बजने लगेगा। जब बजने लगेगा इस तरह से ये म्यूज़िक है, इस तरह से मैंने लगाया, कोई सा भी लगा सकते हैं आप, ये भी लगा सकते हैं। तो जो आप लगाएंगे आपका जो है यहाँ पर बजना शुरू हो जाएगा जैसे कोई मेरा मोबाइल को हाथ लगाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी क्योंकि इसकी सबको ज़रूरत थी, ज़रूरत की चीज़ वाली वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना चाहिए। और अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगर आपकी अपनी फरमाइश है किसी वीडियो के लिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दें क्योंकि काफ़ी हद तक वीडियोज़ मेरी फरमाइश के ऊपर बनती हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप ये टॉपिक लाएँ तो मैं वो ला के बनाती हूँ तो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए आप भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं। साथ ही प्लीज़ कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिएगा। Thanks for watching.